प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्थित आजाद नगर में 5 वर्षीय बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। गड्ढा L&T कंपनी ने नर्मदा पाइपलाइन के लिए खोदा था। वहीं अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव बच्चे के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को हुई वर्षा से गड्ढे में पानी भर गया था। फिसलन होने से बच्चा गड्ढे में गिर गया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पार्षद ने कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव बच्चे के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है और शहर में जहाँ भी निर्माण कार्य की दृष्टि से बिना नियमों का पालन किए हुए जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकरण में भी बहुत दुखद घटना है और तत्काल हमने ठेकेदार के खिलाफ FIR कराई है। अधिकारियों को भी जांच करने के निर्देश दिए कि जो दोषी अधिकारी नगर निगम के भी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। आज मैंने शोक संतप्त परिवार के घर भी मैं जाकर पूरे परिवार से मिला हूं और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर लगातार अधिकारी भी 2 दिन से मैंने निर्देश दिए हैं, दौरा कर रहे हैं। आज मैं खुद भी सबका रिव्यू करने के लिए 3:30 बजे उनके साथ बैठ रहा हूँ। शोक संतप्त परिवार को सहायता की दृष्टि से जो गया है उसका तो किसी भी तरीके से भरण नहीं हो सकता है, लेकिन महापौर स्वेच्छानुदान निधि से परिवार को इस समय संबल बढ़ाने की दृष्टि से सहायता राशि भी हमने दी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, बारिश पूर्व की जो तैयारियां हैं क्या? कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्थित आजाद नगर में 5 वर्षीय बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। गड्ढा L&T कंपनी ने नर्मदा पाइपलाइन के लिए खोदा था। वहीं अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव बच्चे के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।